नरेंद्र मोदी अगले 48 घंटे तक कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी विरोधी अगले दो रात सो नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी तपस्या करेंगे और यही राहुल गांधी की नई समस्या बनेगी। अगले दो दिन तक नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आखिरी राउंड का चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं करेंगे। मोदी के विरोधी यही देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कितनी देर टीवी पर दिखे, मोदी कहां कहां पैदल चले, किस मंदिर में पहुंचे, कितनी बार कैमरे पर आए। दरअसल मोदी विरोधियों की यह छटपटाहट है, यह कड़वाहट ही 4 जून को आने वाले रिजल्ट की आहट है। चुनाव प्रचार थम चुका है, हवा हवाई दावों का दौर भी खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे के बाद से नरेंद्र मोदी के विरोधी भी ये मान रहे हैं कि अगले मंगलवार को फिर बनेगी मोदी सरकार। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा। और अगर आपके दिमाग में कोई भी शक है, अभी भी सोशल मीडिया के कुछ पन्ने आपके पास आए हैं, तो इस रिपोर्ट को आप तसल्ली से देखिएगा। मैं इंडिया लाइंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। 4 जून से पहले मोदी के दुश्मनों ने कौन सी बड़ी गलती कर दी है? नतीजों से 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इंडी गुट को वार्निंग क्यों दी है? मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। काशी से कन्याकुमारी, 7वें चरण से पहले की आखिरी तैयारी, तो क्या 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी ही सब पर भारी? क्या विरोधी खेमे में रिजल्ट से पहले शुरू हो चुकी है मारामारी? क्या मोदी के आने की आहट से पहले ही विरोधियों ने कर ली है बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी? 4 जून को 400 पार का अग्निपथ क्या सच में पूरा होने जा रहा है मोदी का यह प्रयास भगीरथ? क्या 9 जून को कर्तव्य पथ पर नरेंद्र मोदी लेंगे तीसरी बार शपथ? 4 जून के बाद की तारीख आ गई है, 9 जून की डेट करीब करीब फिक्स हो गई है। मोदी एकांतवास में चले गए हैं, कन्याकुमारी में, विवेकानंद शिला में ध्यान मग्न हो गए हैं। सवाल है कि नरेंद्र मोदी 4 जून को लेकर इतने निश्चिंत क्यों हैं? 9 जून को मोदी के संभावित शपथ का वेन्यू दिल्ली का कर्तव्य पथ होगा, लेकिन पीएम पद की संभावित शपथ से पहले, आखिरी चरण की वोटिंग से पहले काशी के वोटर्स को संबोधित करना और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी पहुंचना राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल पंडितों के लिए एक बड़ी मैसेजिंग है। और मोदी के इस मैसेज का सार 4 जून के संभावित नंबर्स में है। वो नंबर्स क्या हैं? मोदी 400 पार हैं या 272 से कम हैं? आंकड़ों के साथ पूरा विश्लेषण आगे करेंगे, पहले मोदी की ये बातें तो गौर से सुनिए। चुनाव की मेरी आखिरी सभा में मैं देशवासियों को कह रहा हूं, आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, विजयी बनाइए। 400 पार का आखिरी जो काम है वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सौभाग्य जाने नहीं देंगे। मैं देश भर में जाकर के आया हूं, जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। नरेंद्र मोदी 4 जून को हैट्रिक का दावा, 400 पार का दावा सिर्फ अपने अनुमान के आधार पर नहीं कर रहे, वो पब्लिक के लिए फीडबैक 543 की 543 सीटों पर पब्लिक से मिले आशीर्वाद के दम पर दे रहे हैं। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक वोटर्स का रुझान देखकर 4 जून को आने वाले एनडीए के तूफान का जिक्र कर रहे हैं और तब जाकर मोदी संभावित जीत की हुंकार भर रहे हैं। हर हर महादेव। काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन आ ही गईल हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो।
काशी सहित सातवें चरण की 57 सीटों के लिए मोदी का मैसेज क्लियर है। 1 जून को नया रिकॉर्ड बनाओ, 4 जून को इंडिया को 400 पार कराओ, और इसके लिए मोदी ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आखिरी फेज में 57 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और मोदी ने 57 दिन तक चुनाव प्रचार में जमीन आसमान एक कर दिया है। चुनाव का ऐलान होने के बाद से लेकर अब तक मोदी की 206 रैलियां, रोड शोज और इवेंट्स हो चुके हैं। इस लिहाज से मोदी ने औसतन एक दिन में 3 से 4 इवेंट किए। 3 दिन ऐसे थे जब मोदी ने एक दिन में 5 इवेंट किए। 22 दिन ऐसे थे जब मोदी ने एक दिन में 4 इवेंट्स किए। मई के महीने में मोदी के सबसे ज्यादा 96 इवेंट्स हुए। सिर्फ 4 राज्यों को मिलाकर मोदी ने 88 पॉलिटिकल इवेंट्स किए। इनमें सबसे ज्यादा यूपी में 31, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और बंगाल में मोदी के 18 इवेंट्स हुए। साउथ की बात करें तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में मोदी के कुल 33 चुनावी इवेंट्स हुए हैं। हिंदी हार्टलैंड में भी मोदी ने खूब पसीना बहाया है। ओडिशा और मध्य प्रदेश में 10, झारखंड में 7, राजस्थान में 5 और छत्तीसगढ़ में मोदी के 4 इलेक्शन इवेंट्स हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में 5, पंजाब में 4, हरियाणा में 3, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में मोदी की 2-2 रैलियां हुई हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने 80 इंटरव्यूज भी दिए हैं। हमने ये आंकड़ा आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सकें कि अगर मोदी 4 जून को 400 पार की बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह ही यही है कि मोदी ने 57 दिन में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह पब्लिक का मूड पकड़ लिया है और इसीलिए उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। लेकिन हर चुनावी रैली में, हर इवेंट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान की कॉपी दिखाने वाले मोदी विरोधी इकोसिस्टम को इसमें भी मोदी की घबराहट दिखाई दे रही है। 4 जून को मोदी नहीं आ रहे, इसकी आहट सुनाई दे रही है। मोदी ने किस रैली में किसका जिक्र किया, कितनी बार राहुल का नाम लिया, कितनी बार इंडी अलायंस पर हमला किया, विरोधी नतीजे से 5 दिन पहले यही गिन रहे हैं, अभी भी हवाई फायरिंग ही कर रहे हैं। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे, अब क्यों परेशान है इतने इतने? जो आपने आंकड़े हमको दिए 206 रैली उन्होंने की, तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए, शहर शहर चले जाए और गली से दिल्ली तक ये मीटिंग उन्होंने की घबरा के। घबराहट में है ये 4 जून को ये घबराहट खत्म होगी। 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया, खुद खुद की रेस हम बोले सो नहीं, खुद ही उन्हीं अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया, 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली, मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। तो ये दर्शाता है कि मुद्दों को उन्होंने अलग कर दिया, सिर्फ अपना नाम लेना, प्रचार करना, ये काम उन्होंने करते रहे। सातवें चरण की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी पहुंचकर मोदी का ध्यानमग्न होना 4 जून वाला एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। हम इस संकेत को आगे डिकोड करेंगे, मगर उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं, मोदी की इन तस्वीरों को देखकर विरोधियों को कितनी तेज मिर्ची लगी है। मोदी बोले तो दिक्कत, मोदी न बोले, कन्याकुमारी में ध्यान लगाएं तो दिक्कत। विरोधियों को असली दिक्कत मोदी से ही है। इंडी अलायंस वालों के लिए साइलेंट पीरियड तो बहाना है,
उन्हें बस मोदी पर निशाना लगाना है। मैं कोई इतराज नहीं है, एक तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है, ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। एक तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और चार तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं, कहीं कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। और जिस दिन परिणाम आ रहा है आप जानते होंगे, 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। 4 जून को है कौन सा मंगल, है कि नहीं है मंगल? मंगल होने जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। मोदी मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी गए तो कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई, कुछ फैक्ट्स को नजरअंदाज कर गई, या कहें कांग्रेस ने बताना जरूरी नहीं समझा। नंबर वन, मोदी कन्याकुमारी में कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं करेंगे। नंबर टू, मोदी मौन व्रत की मुद्रा में ध्यान में रहेंगे। और नंबर थ्री, तमिलनाडु में आखिरी फेज में वोटिंग नहीं है। अब इसी पैमाने पर राहुल का फैक्ट चेक करते हैं। 20 मई को रायबरेली में वोटिंग हुई, लेकिन राहुल 19 मई को 120 किलोमीटर दूर प्रयागराज में साइलेंट पीरियड में अखिलेश के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, बाकायदा लाइव लिंक शेयर कर रहे थे। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग हुई, मगर उसी दिन राहुल 500 किलोमीटर दूर कर्नाटक के वेल्लारी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, यूट्यूब पर लाइव लिंक शेयर कर रहे थे। क्या इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मोदी का 4 जून वाला खौफ इतना ज्यादा है कि विरोधियों को अब उनके साइलेंस से भी डर लगने लगा है, और 400 पार का डर तो इंडी गुट को पहले से ही है। अब आपको ये बताते हैं कि अमित शाह ने किस आधार पर यह दावा किया है कि 4 जून को पूरा देश मोदी में होगा। अमित शाह का क्लेम है कि अब की बार बीजेपी 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% रिजल्ट लेकर आएगी। 19 की ही तरह 24 में भी वो आंकड़ा दोहराएगी जो बीजेपी ने अकेले अपने दम पर हासिल किया था। इन राज्यों को 2019 के आंकड़ों से डिकोड करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने 2 की 2 सीटें जीती थी। असम में 10 पर लड़ी, 9 जीती। बिहार में 17 पर लड़ी, 17 जीती। चंडीगढ़ की 1 सीट जीती। छत्तीसगढ़ की 11 पर लड़ी, 9 सीटें जीती। दमन और दीव की 1 सीट जीती। दिल्ली की 7 की 7 सीटें जीती। गोवा में 2 पर लड़ी, 1 जीती। गुजरात में 26 की 26 सीटें जीती। हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीती। हिमाचल की 4 की 4 सीट। जम्मू कश्मीर में 6 पर लड़ी, 3 जीती। झारखंड में 13 पर लड़ी, 11 जीती। कर्नाटक में 27 पर लड़ी, 25 सीट जीती। एमपी में 29 पर लड़ी, 28 जीती। महाराष्ट्र में 25 पर लड़ी, 23 सीटें जीती। मणिपुर में 2 पर लड़ी, 1 जीती। राजस्थान में 24 पर लड़ी, 24 जीती। त्रिपुरा में 2 की 2 सीट जीती। यूपी में 78 पर लड़ी, 62 सीटें जीती। उत्तराखंड की 5 सीटें जीती। यानी इन 20 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां 2019 में बीजेपी ने 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। बाकी के 10 राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% प्लस ही था। 24 के लिए बीजेपी को लग रहा है कि ज्यादातर राज्यों में सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस करने के बावजूद वो 4 जून को 19 वाले नंबर जुटा लेगी। कुछ राज्यों में सीटें घटेंगी तो मोदी उन राज्यों में सीटें बढ़ा लेंगे जहां 2019 में 1 भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी इसी आधार पर जीत का दावा कर रही है। अगले मंगलवार फिर एक बार मोदी सरकार वाला पोस्टर घुमा रही है। रही बात मोदी की, तो वो इस नारे के साथ साथ 4 जून के बाद क्या करने वाले हैं इसका प्लान भी रेडी कर चुके हैं। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी,
इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। मोदी कन्याकुमारी में हैं, ध्यान में बैठ चुके हैं। सातवें चरण की वोटिंग से पहले विरोधियों का पूरा ध्यान भी इस वक्त मोदी की तरफ ही है। कांग्रेस ने अब तक अपनी सीटें नहीं बताई हैं, मगर अब पहली बार उसने 140 वाली स्क्रिप्ट पढ़ी है। लेकिन हाथों हाथ ईवीएम पर अलर्ट हैं लिखकर 4 जून का डर भी जाहिर कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष हाथ में संविधान की कॉपी लेकर 4 जून को जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा अभी भी ये नहीं कह रहे कि इंडी का पीएम कैंडिडेट कौन है। मोदी विरोधी खेमे में इस बात पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हाँ, मोदी पर हमला बार बार है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए दो बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। हमारा गठबंधन रहने के वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, एक्स होगा, वाई होगा नहीं कह सकते। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। वो जाने वाले जरूर है, ये तो मैं कह सकता हूँ। वही उनको डर होगा, यही भूकंप आने वाला है बोले तो उनके लिए आने वाला है, हमारे लिए नहीं है। हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और 4 जून को हम लोग उनको सत्ता से हटाएंगे। लेकिन 6 फेज की वोटिंग के बाद सातवें चरण की वोटिंग से पहले मोदी एग्जैक्टली किस नंबर पर हैं, 400 के कितने करीब हैं, इसका आइडिया आपको 2019 के आंकड़े से लगेगा। 2019 में छठे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी ने 278 सीटें जीती थी, यानी बहुमत से 6 सीट ज्यादा, यानी तब सातवें चरण से पहले ही विरोधियों का गेम ओवर हो चुका था। सवाल है कि 24 में क्या होगा, इसका एक इंटरेस्टिंग विश्लेषण आपको दिखाते हैं। क्योंकि इस बार कई राज्यों में मैक्स्ड आउट होने के बावजूद बीजेपी 19 वाले आंकड़े से आगे बढ़ सकती है। 2019 में बीजेपी ने 2014 में जीती 282 सीटों में से 26 सीटें गवाई थी। तब मोदी को 10% वोट का नुकसान हुआ था क्योंकि वो कई राज्यों में मैक्स्ड आउट कर चुकी थी। लेकिन तब बीजेपी ने पूर्वी भारत से एडिशनल सीटें जोड़ ली और 10% के नुकसान को कंपनसेट कर लिया। इस बार भी बीजेपी को अंदेशा है कि उसे कुछ राज्यों में 10% वोट का नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी अब की बार इस नुकसान की भरपाई दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और यूपी की सीटों से कर सकती है। सातवें चरण में हिंदी हार्टलैंड की 28 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में एनडीए ने इनमें से 26 सीटें जीती थी, मगर एक राज्य जहां कांटे की टक्कर है वो है पंजाब। सातवें चरण में पंजाब की 13 सीटें सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक एक सीट पर 4 सबसे बड़े दलों का आमना सामना है। 2019 में पंजाब की 13 में से 8 सीटें कांग्रेस को, 2 शिरोमणि अकाली दल को, 2 बीजेपी को और 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। आप लोगों से आज मैं मांगने आया हूं। अब की बार पंजाब में चौतरफा लड़ाई है और इसमें बीजेपी छुपा रुस्तम साबित हो सकती है। क्योंकि अगर पंजाब का सिख वोट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल में बंटा और पंजाब के हिंदू वोटर्स ने बीजेपी के फेवर में कमल का बटन दबाया तो बहुत हद तक मुमकिन है कि बीजेपी पंजाब में 2019 की 2 सीट से बढ़कर कुछ और सीटें जोड़ ले। इसीलिए बीजेपी ने न सिर्फ दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया है, बल्कि हिंदू वोटर्स को भी अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की है। और मोदी ने सातवें चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस और आप के करप्शन वाले गठजोड़ पर ऐसा निशाना साधा है कि ये पंजाब की 13 सीटों का पूरा गेम बदल सकता है। उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं।
और लगातार मोदी को नई नई गालियां देते रहते हैं। भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर जूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, और लोग भूले नहीं कि जूठवादी पार्टी ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी, और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था, तो डॉक्टरों को चिंता हुई, बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी।